प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 6, 7 और 8 के लिए पिछले वीडियो में आप पढ़ रहे थे भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा और भाग। कोष्टकों के बारे में भी मैंने बताया कि ये छोटा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक, इसके बाद ये मंझला कोष्टक और इसके बाद ये बड़ा कोष्टक और एक और लगती है इसके ऊपर रेखा बंधनी, इस प्रकार से निशान होता है जिसको बोलते हैं रेखा बंधनी, ये होता है बड़ा कोष्टक। अब ये कोष्टकों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इनको हटाया कैसे जाता है, जब हमें 2-3 क्वेश्चनों को एक साथ बांध करके और एक क्वेश्चन में समेटना हो तभी इन कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में बांधने के लिए। जैसे हम क्वेश्चन हल करें कि 1 से 1/2, फिर बड़ा कोष्टक, फिर आ जाएगा 1 से 1/3, फिर भाग, फिर आ जाएगा मंझला कोष्टक 1 से 1/4, फिर आ जाएगा माइनस, फिर छोटा कोष्टक 1 से 1/2 प्लस 1 से 1/3, छोटा भी बंद, मंझला भी बंद और बड़ा भी बंद। इस प्रकार से कोष्टक लगते हैं जब एक से अधिक क्वेश्चनों को एक साथ बांधना हो। जोड़ है, ये जोड़ का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाना है और ये जो है इसमें इसका भाग लगाना है और फिर जो उत्तर आएगा उसका इसके साथ गुणा करना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन एक साथ बांध दिए कि 1 से 1/2 और 1 से 1/3 को जोड़ें। अगर हिंदी में पूरे प्रश्न को पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे कि 1 से 1/2 में 1 से 1/3 को जोड़ें, उसके बाद उसको 1 से 1/4 में से घटाएं और जो उत्तर आएगा उसका भाग 1 से 1/3 में लगाएं और फिर जो उत्तर आएगा उसको 1 से 1/2 के साथ गुणा करें। इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन एक साथ बोल दिए कि पहले जोड़ करना है जो छोटे कोष्टक में सवाल है उसका, फिर जो उत्तर आएगा उसको घटाना है 1 से 1/4 में से, फिर जो उत्तर आएगा उसका भाग देना है 1 से 1/3 में और फिर क्या करना है 1 से 1/2 के साथ उत्तर आएगा उसका गुणा करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन है। करने का तरीका इस नियम के अनुसार अपने को चलना होता है। छोटा कोष्टक सबसे पहले हल किया जाता है, ये छोटा कोष्टक है ये सबसे पहले हल करते हैं, इसको सबसे पहले हल किया जाएगा, इसके अंदर जो प्रश्न है उसको सबसे पहले हल किया जाता है। उसके बाद जो आपके सामने मंझला कोष्टक लगाया हुआ है उस मंझले कोष्टक को हल करना है, इसको हल करना है मंझले को, मंझले के बाद फिर जो बड़ा कोष्टक है उसको हल करना है, उसके बाद क्वेश्चन अगर कुछ बचा है तो वो बाद में हल होगा। तो यहाँ पर हम हल करने की शुरुआत करते हैं सबसे पहले छोटे कोष्टक से। तो आपको जोड़ घटाव में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर पहले तो सारी जो मिश्र बिन है उनको सरल बिन में बदल दें, 2 × 2 एक ऊपर वाला जोड़ दें, ये आ गई 3/2, फिर 3 × 3 और फिर एक ऊपर वाला जोड़ दें, ये आ गया 4/3, फिर आ गया मंझला कोष्टक 4 × 4 और 1 5/4, फिर छोटा कोष्टक 2 × 2 और 1 3/2, फिर प्लस का निशान 3 × 3 और 1 4/3, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला बंद और फिर बड़ा बंद। अब ये बाकी क्वेश्चन सेम आएगा, 3/2 सेम, 4/3 भी सेम, मंझला कोष्टक सेम, 5/4 क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ से छोटे कोष्टक के अंदर वाला, इतना ही, बाकी सेम टू सेम आएगा। 2 का 3 का लघुत्तम लेंगे तो दोनों अभाज्य संख्या हैं तो दोनों का गुणा हो जाएगा, 6 आ जाएगा लघुत्तम। जब 6 के अंदर 2 का भाग दें तो 3 आएगा, भागफल 3 आएगा, 3 को ऊपर 3 से गुणा करें तो 9 आएगा, फिर 3 का 6 में भाग दें
तो तीन दूनी छः दो आएगा, जो भागफल दो आएगा उसको ऊपर चार से गुणा करें, कोष्टक सारे लगा दें। कोष्टक तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि उसका उत्तर नहीं आ जाए। अब इसके अंदर जो सवाल चल रहा है, जब इसका उत्तर आ जाएगा तब इस कोष्टक को हटा देंगे। तीन बटा दो, चार बटा तीन, पाँच बटा चार, माइनस इसका उत्तर आ रहा है नौ आठ सत्रह बटे में छः। अब जब मैंने इसका उत्तर लिख दिया है सत्रह बटे छः, तो देखिए मैंने छोटे कोष्टक को हटा दिया है, सिर्फ मंजिला लगाया है, छोटा कोष्टक खत्म हो गया, इसका आंसर लिख दिया यहाँ। अब देखिए तीन बटा दो, चार बटा तीन, अब मंजिले कोष्टक के अंदर जो सवाल है उसको हल करना है। सबसे पहले छोटा हल होता है, उसके बाद मंजिला हल होता है, और लास्ट में बड़ा हल होता है। सबसे पहले ये हल करना है, फिर ये करना है, और फिर बड़ा करना होता है। तो फिर मंजिले के अंदर क्वेश्चन है आपका, उसको हल करेंगे। चार का और छः का लघुत्तम लेंगे, चार और छः का, दो का भाग जा रहा है दोनों में, दो आएगा तीन आएगा, फिर दो का जा रहा है एक आएगा तीन आएगा, फिर तीन का जा रहा है तो तीन दुनी छः और छः दुनी बारह, तो लघुत्तम आ जाएगा बारह। अब बारह के अंदर चार का भाग लगाएं अंश का, तो बारह में चार का भाग दें, चार तीये बारह तीन आएगा, जो भागफल तीन आ गया उसका ऊपर पाँच से गुणा कर देंगे, तीन पाँचे पंद्रह आ जाएगा। फिर नीचे छः है, छः का भाग बारह में लगाएं तो दो भागफल आएगा, दो को ऊपर सत्रह से गुणा करें चौंतीस आ जाएगा। मंजिला कोष्टक लगाएंगे और बड़ा लगाएंगे। अब आगे तीन बटे दो आ गया, बड़ा कोष्टक लग जाएगा। चार बटे तीन आ गया, भाग का निशान। इसमें अब चौंतीस माइनस का है, पंद्रह प्लस का है, तो माइनस चौंतीस में से पंद्रह घटाएं, चौदह में से पाँच गए नौ, दो में से एक गया एक, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के उन्नीस बचेंगे। तो ये आ गया माइनस उन्नीस बटे में बारह। अब मैंने मंजिले कोष्टक को हटा दिया है, क्योंकि मंजिले कोष्टक का उत्तर मैंने निकाल दिया माइनस उन्नीस बटे बारह। अब आगे तीन बटे दो, ये आ जाएगा चार बटे तीन, भाग का निशान बदल दें गुणा में। जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, तो बारह ऊपर उन्नीस नीचे। अब और तो इसमें कुछ कट नहीं रहा है, ये कट रहा है तीन चौके बारह, ये आ गया तीन बटे दो, यहाँ किसी का निशान नहीं है तो गुणा का लगेगा ही, इसका उत्तर आ गया चार चौके सोलह बटे माइनस उन्नीस। जब इसका पूरे का उत्तर निकाल दिया है मैंने, उत्तर है सोलह बटे माइनस उन्नीस, तो इस कोष्टक को हटा दिया, इसके इसके बीच में किसी का निशान नहीं था तो गुणा का लगा दिया। अब यदि कट रहे हैं तो काट देंगे, दो एकन दो, आठ दुनी सोलह, ये आ गया आठ तीय चौबीस बटे माइनस के उन्नीस, और चौबीस में उन्नीस का भाग दे दें, उन्नीस एकन उन्नीस बच गए पाँच, पाँच बटे उन्नीस माइनस में उत्तर आएगा। इस प्रकार से जब कोष्टक लगे हुए हों क्वेश्चनों में तो उनको हम हल कर सकते हैं, कोष्टकों को बारी बारी से खोल खोल करके। आगे देखें अगला क्वेश्चन, इसमें तो मैंने भाग और गुणा सारे डाल दिए, एक क्वेश्चन देखिए जिसमें सारे जोड़ घटाव डालेंगे। एक से एक बटा दो माइनस बड़ा कोष्टक, एक से एक बटा तीन, फिर माइनस
फिर मंझला कोष्टक एक से एक बटे चार, फिर प्लस छोटा कोष्टक एक से एक बटे तीन प्लस एक बटे दो मंझला छोटा बंद, फिर मंझला बंद, फिर बड़ा बंद। इसमें देखिए सारे जोड़ घटाव हैं, उसको उस तरीके से भी किया जा सकता है जैसे मैंने पहले बताया। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद मंझले को, उसके बाद बड़े को। लेकिन जब इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग न हो, वो गुणा और भाग न हो, जब इसमें गुणा और भाग न हो, सिर्फ ये जोड़ और घटाओ, तो इस पूरे को एक साथ भी हल किया जा सकता है। पूरे को एक साथ हल करने के लिए देखिए क्या किया जाएगा। पहले तो मिश्र बिन को सरल बिन में बदलें, दो एकन दो और एक, तीन बटे दो माइनस तीन एकन तीन और एक, चार बटे तीन माइनस चार एकन चार और एक, पाँच बटे चार प्लस तीन एकन तीन और एक, चार बटे तीन प्लस एक बटे दो मंझला बंद बड़ा बंद। अब इसको हल करने के लिए देखिए मैं बारी बारी से हम कोष्टकों को हटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले छोटे कोष्टक को हटाएंगे। कोष्टक हम एक साथ ही हटा सकते हैं बिना सवाल को हल किए, लेकिन उस कंडीशन में जब केवल इनमें जोड़ और घटाव ही हो, गुणा और भाग बीच में नहीं आना चाहिए। यदि इनमें गुणा और भाग बीच में आ गया तो फिर कोष्टक एक साथ हम नहीं हटा सकते, फिर हमें बारी बारी से एक एक कोष्टक को हल करके हटाना पड़ेगा। सबसे पहले छोटे को हल करके हटाएंगे, फिर मंझले को हल करके हटाएंगे, और फिर बड़े को हल करके हटाएंगे। सवालों के बीच के जो सवाल हैं उनको हल कर करके इनको हटाना होता है, लेकिन जब इनके बीच में गुणा और भाग न हों, सारे जोड़ और घटाव, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, तो हम इनको बिना हल किए हटा सकते हैं। हटाते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी कोष्टक हम हटाएंगे उसके आगे यदि निशान प्लस का है, तब तो उसके अंदर की संख्या के वैसे ही आएंगे जैसे हैं। लेकिन यदि उसके आगे निशान माइनस का हो, जैसे कि मंझले के आगे माइनस है, तो उसके अंदर की संख्या के सारे निशान बदल जाते हैं। इस नियम का ध्यान रखेंगे, जब हम कोष्टक हटाएं उसके आगे माइनस का निशान है तो सारे निशान बदल जाते हैं, अगर प्लस का है तो निशान वैसे के वैसे आते हैं, चेंज नहीं होते। तो जैसे सबसे पहले हटाएं छोटे कोष्टक को, ये तीन बटा दो माइनस ये बड़ा, चार बटा तीन माइनस ये मंझला, पाँच बटा चार। अब इसके आगे देखिए छोटा कोष्टक मैं हटा रहा हूँ, इसके आगे प्लस है तो जैसी संख्या है वैसे ही निशान आएंगे। ये लो मैंने छोटे कोष्टक को हटा दिया, सिर्फ दो कोष्टक बचे हैं, एक मंझला एक बड़ा। जैसी संख्या थी वैसी आ गई, क्योंकि निशान आगे कोष्टक के प्लस था। अब बारी है मंझले कोष्टक को हटाने की। मंझले के आगे निशान माइनस का है, इसलिए जब मंझला कोष्टक में हटाऊंगा तो इसके अंदर की सारी संख्याओं के निशान बदल जाएंगे। तो ये संख्या प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी, ये संख्या प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी, ये संख्या भी प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी। मंझले कोष्टक को भी हटा दिया। अब हटाएंगे बड़े कोष्टक को। बड़े के आगे भी निशान माइनस का ही है, इसलिए अंदर की सारी संख्याओं के निशान बदलेंगे। ये संख्या प्लस की है ये तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है ये संख्या प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की संख्या ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की संख्या ये प्लस की हो जाएगी। अंदर जो संख्याएं थी एक दो तीन माइनस की थी, तीनों एक दो तीन प्लस की हो गई, ये जो प्लस की थी ये माइनस की हो गई, और बड़े कोष्टक को हटा दिया। इस प्रकार से इन कोष्टकों को हटाया जाता है। अगर किसी कोष्टक के आगे निशान प्लस का है तब तो संख्या वैसी की वैसी आती है और कोष्टक को हटा दिया जाता है, और यदि किसी संख्या के आगे निशान माइनस का है तो फिर कोष्टक को हटाते हैं तो अंदर की संख्या के निशान बदलते हैं, जैसे कि यहाँ बदले हैं और यहाँ भी बदले हैं। अब इस सवाल को हल करेंगे हम। हल करने के लिए देखिए दो तीन चार तीन दो, इनका लघुत्तम लेना है, यानी दो तीन और चार का, यही संख्याएं हैं इसमें,
दो तीन और चार। लघुत्तम लें तो देखिए दो का भाग जा रहा है, एक आएगा, तीन में नहीं जा रहा, तीन आ जाएगा, चार में देंगे दो आ जाएगा, फिर दो का भाग दें एक आ जाएगा, तीन आ जाएगा एक आ जाएगा, और अब तीन का दें एक आ जाएगा एक आ जाएगा एक आ जाएगा, तो तीन दुनी छः और छः दुनी बारह, तो लघुत्तम आ जाएगा बारह। बारह में दो का भाग देंगे छः आएगा, छः का गुणा करना है तीन से, तो छः ती अठारह, माइनस सारे जोड़ घटाव हैं तो लघुत्तम एक साथ ले सकते हैं। अगर बीच में एक भी गुणा का निशान होता तो सब एक साथ लघुत्तम नहीं लिया जाता, अब सब जोड़ घटाव हैं इसलिए सबका एक साथ लघुत्तम ले सकते हैं। अब तीन का भाग दें बारह में तो चार आएगा, चार का गुणा ऊपर चार से करें तो सोलह आएगा, चार का भाग बारह में दें तो तीन आएगा, तीन का गुणा ऊपर करें पाँच से तो पंद्रह आएगा, तीन का भाग बारह में देंगे तो चार आएगा ही, चार का ऊपर चार से गुणा करेंगे सोलह आएगा, दो का भाग बारह में देंगे तो छः आएगा, छः का ऊपर एक से गुणा करेंगे तो छः आएगा। अब देखें ये सोलह माइनस के हैं, ये सोलह प्लस के हैं, ये तो कट जाएंगे, सोलह माइनस के सोलह प्लस के बराबर संख्या हैं, कट जाएंगी, बाकी बच गई प्लस की संख्या, अठारह पंद्रह तैंतीस, तैंतीस और छः उनचालीस, बटे में आगे बारह। अब उनचालीस में बारह का भाग दे दें उत्तर आ जाएगा, बारह तीय छत्तीस, बच गए तीन, तीन ऊपर बारह नीचे, तो एक तो उत्तर आ सकता है तीन सही, तीन बटे बारह, इसको काट भी सकते हैं हम, तीन एकन तीन, तीन चौके बारह, तो उत्तर लिख सकते हैं तीन सही एक बटे चार, तो उत्तर आ गया हमारा तीन सही एक बटे चार। बाकी देखेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।